कैसे हैं सभी। सो आई होप आपको इस वीडियो सीरीज का जो पहला लेक्चर है पसंद आया होगा, जो था प्रेसिडेंट के बारे में। एंड द सीरीज इज नेम एज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानने वाले हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दिस इज मी एसएसटी गुरु आपका सुमित सिंह। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बेसिकली ये जो कोर्स है ज़्यादा फोकस है एनडीए एंड एनटीएससी के ऊपर, बट ये टॉपिक इज क्वाइट रिलेवेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स एज वेल। बट जो बच्चे एनडीए या फिर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना बच्चा यहाँ पे। लेट्स बिगिन। सो इफ यू अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो आर्टिकल 63 सेज कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मींस कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, इसका मतलब ये दिस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ पोस्ट इट इज है ना। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें तो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुर्सी है वाइस प्रेसिडेंट की, बेसिकली इनका काम ही यही है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करना है ना। अब इलेक्शन की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था एक खास चीज कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद है ना। बट हियर इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बट वन मोर थिंग इज माय फ्रेंड, दूसरी चीज ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वोटिंग का तरीका वही है, बैलेट पेपर यूज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, सो इट्स क्वाइट इजी। नाउ बात करते हैं हम लोग पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। क्या पावर्स है भाई साहब के? सबसे पहला तो पावर यही है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट he acts the president of india if the office of president falls vacant due to his resignation, death, impeachment, illness or absence from the country, है ना। मतलब चांदी हो जाती है उस समय, बट कितने समय के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। मैक्सिमम पीरियड क्या होगा बच्चा लोग? 6 मंथ्स। इसके अंदर आपको नया इलेक्शन, मतलब आई मीन फिर से इलेक्शन करा के, री इलेक्शन करा के न्यू प्रेसिडेंट विल हैव टू चूज अगर इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और द सीट ऑफ प्रेसिडेंट इज एम्प्टी ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन और डेथ और इम्पीचमेंट, है ना। इन केसेस में तो वापस आ ही जाएंगे या फिर सीवियर इलनेस है तब भी, है ना। तो ये 6 मंथ्स में आपको इलेक्शन कराना होगा, मतलब 6 महीने तक ही वाइस प्रेसिडेंट कैन टेक अप द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। और उस 6 महीने तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? राज्यसभा का चेयरमैन। उस 6 महीने वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम नहीं करते। ही वॉन्ट बी फंक्शनिंग एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फॉर दैट पीरियड इन विच ही इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने समय के लिए भी क्यों ना हो, वो 1 महीने के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए क्यों नहीं हो, अगर वो इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वॉन्ट बी चेयरिंग द राज्यसभा। सो इन दैट केस वो विल बी देयर, तो ही मे बी द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और एनी सुटेबल पर्सन बीइंग इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स इटसेल्फ, है ना। और याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा हैज एन अपर हैंड, है ना, मतलब राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। The vice president holds his office till the new president is elected, of course. और कितने दिन तक? Maximum period क्या होगा बच्चा लोग? Don't forget the maximum period, that is of 6 months. 6 महीने से ज़्यादा ये चीज़, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? याद रहेगा आपको, not more than 6 months, ठीक है? Clear? नहीं, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, qualification क्या है, है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। याद है कल की क्लास में मैंने बताया था इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट कि 2 केसेस तो हमेशा रहेगा, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है याद है? बैंकक्रप्ट या फिर अनसाउंड माइंड, बैंकक्रप्ट या अनसाउंड माइंड, ये नहीं होना चाहिए। ये 2 केसेस तो होने ही होने हैं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था ताकि आप याद कर सको। 35 ईयर्स ऑफ एज ऑफ कोर्स, एंड राज्यसभा के मेंबर बनने के उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, है ना, मतलब उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, काबिलियत में क्वालिफिकेशन लेवल से। याद है मैंने अभी कहा कि राज्यसभा हैज एन अपर हैंड, राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है इन मैटर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड चौथा क्या है कि ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है बेसिकली, आसान सी भाषा में समझो तो इसे, ठीक
है। तो दिस आर द क्वालिफिकेशंस टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जो लोग एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी मनी कितना लगेगा, सिक्योरिटी में आपको 15,000 रुपए यहाँ भी देने होते हैं, सेम एज द केस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, टर्म्स इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने साल का होता है टर्म, 5 साल का, है ना। और 5 साल से ज्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, किस केस में, जब तक उनके सक्सेसर मतलब नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, या फिर चुनाव के नए मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक तब तक 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कराना होगा, ये सारी चीजें भी होती हैं। बाकी अब हम अगर इनके वैकेंसी की बात करें, इनके सीट की वैकेंसी की बात करें, याद है प्रेसिडेंट के केस में भी वी सॉ द केसेस जिसमें इनका सीट वैकेंट हो सकता है। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला तो यही होगा कि एक्सपायरी हो गया उनके टर्म का, टर्म एक्सपायर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बच्चा, रेजिग्नेशन ऑफ कोर्स। व्हाट कुड बी द थर्ड वन, रिमूवल। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस लाया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगेन। डेथ, या फिर पांचवा केस, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्वालीफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सो दीज आर द 5 ways थ्रू विच द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी वेकेटेड, है ना। ये 5 तरीके जिससे कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेकेट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हमने एक देखा रिमूवल, तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में मैंने अभी आपसे पूछा, आई होप आपको पता होगा इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस, है ना। इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया जाता है, किस ग्राउंड पे इम्पीचमेंट लगता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या आरोप लगता है जब, तो इम्पीचमेंट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। सो यहाँ क्या है, कैसे हटाते हैं प्रेसिडेंट को, हटाने का तो इम्पीचमेंट प्रोसेस है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। यहाँ बहुत ही सिंपल है भाई साहब, याद है मैंने कहा था कि राज्यसभा एज एन अपर हैंड, यहाँ राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब है कि उस समय हाउस में जितने मेंबर्स मौजूद होंगे वो लोग साइन करेंगे, है ना, उसमें उसका 2/3, है ना। एंड देन इट इज बीइंग सिंपली पास्ड बाय लोकसभा, बहुत आसान सी बात है, लोकसभा बस इसको नॉर्मली पास कर देगा एंड थिंग्स आर ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, प्रेसिडेंट के केस में भी था 14 दिन का, इसके केस में भी 14 दिन का है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिमूवल प्रोसेस कैनॉट बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, इसलिए मैंने कहा कि राज्यसभा इज एन अपर हैंड इन द केस ऑफ रिमूवल और एनीथिंग रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो लोकसभा में इनके रिमूवल का प्रोसेस नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि एक ग्राउंड है, रिमूवल का ग्राउंड है, क्या ग्राउंड था नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ। यहां कोई ऐसा पार्टिकुलर ग्राउंड मेंशन नहीं है कि कौन से चार्जेस लगाने होंगे, जिससे कि कौन कौन से चार्जेस लगेंगे जिसके थ्रू आप प्रेसिडेंट को उनके सीट, उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, हमने उनके पावर्स देख लिए, हमने उनके वैकेंसी के टर्म्स, उनका टर्म ऑफ ऑफिस देख लिया, वैकेंसी देख लिया, कैसे हटाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन। एंड ये हमारे लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इनमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अनअपोज्ड जो वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, शंकर दयाल शर्मा हो गए, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अनअपोज्ड नहीं है भाई साहब, ठीक है, बट करंट जो है उनका नाम याद रखना इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतने में आपका काम हो जाएगा फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा सा हेल्प करो, विल ग्रो टुगेदर, बाय बाय।